जनाब पास ने मशकीदा कांधे पे रखा, आलम हाथ में लिया, तलवार हमायल की निजा हाथ में लिया। कहा अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है, लेकिन एक बात सुन लीजिए, जाने से पहले जरा ज़ैनब से मिल ले जाएगा। जनाब अब्बास उस खेमे में आए जहां जनाब ज़ैनब थी, अंदर नहीं गए, बाहर से खड़े होके कहा का बीबी अलविदा, बीबी मैं जंग के लिए जा रहा हूं, पानी लेने जा रहा, जंग की तो इजाजत नहीं मिली, पानी लेने जा रहा। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्बास जाने से पहले जरा कुछ देर के लिए खेमे में तशरीफ ला लो। जनाब अब्बास आए, जब आए ना खेमे में, सर झुका के खड़े हो गए, आंखें बंद हैं। जनाब अब्बास बहुत कद आवर थे, जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें जनाब अब्बास के गले में डाले, गले में बाहें डाल के जुमला कहा अब्बास जरा मेरी तरफ देखे ना। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे, बहुत गयूर थे। जनाब ज़ैनब 22 साल बड़ी है, पाला था जनाब अब्बास को, हाथों में पले थे, बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, जानते हैं बीबी पे बड़ा जुल्म होना। कहा अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना, बाबा ने मुझसे कहा था ज़ैनब आज आप शहजादी बन के आई, कल आपको कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मैं सोचा करती थी किसमें जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। अजरों को मल्ला बस में अब जनाब अब्बास की गैरत बर्दाश्त नहीं करे, आंसू बह रहे हैं, खेमे से बाहर आए, क्या बीबी मुझे माफ कर दें। एक बहुत बड़े वाइज हैं, वो एक जुमला कहते हैं कि जब जनाब अब्बास खेमे से बाहर निकले, जनाब ज़ैनब ने सारी बीबियों को जमा किया। जब मैं ये जुमला सोचता हूं मेरी कैफियत बदल जाती है, सारी बीबियों को जमा करके एक जुमला कहा बीबियों मैं पर्दे की जमानत वापस ले रही हूं। मेरा अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं।